ones. We are gathered here today to discuss our upcoming event, Craig CII Exhibition on Technologies from Academia. I would now like to request Professor Manu Sharma, Coordinator Technology Enabling Center, Punjab University, Chandigarh, to share the welcome note and to share the details of the upcoming event. Good morning, everyone. With great pleasure, I wish to share with everyone that on 12th November 2022, Technology Enabling Center, Punjab University, Chandigarh, in partnership with Confederation of Indian Industries, CII, and Chandigarh Administration, is organizing CRIC CII Exhibition. Hello, students. European Education में आप सभी का स्वागत है. मैं हूं जितेंद्र त्यागी. तो अभी आपके सामने एक आपने जो वीडियो देखा तो उस वीडियो में बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, ठीक है, और कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने आपको बताया होगा इस इवेंट के बारे में, जिसके बारे में अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ. ओके, सो ये इवेंट है CRIKC, ओके, क्रिक, चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन नॉलेज क्लस्टर. ओके, CII एग्जीबिशन कम इंडस्ट्री अकेडमी मीट. तो ये चंडीगढ़ में जो भी बच्चे हैं, जो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसपास के रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, या जितने भी आपके इंडस्ट्री में वर्क करने वाले या लीड करने वाले या उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, तो चंडीगढ़ के अंदर क्रिक का एक एग्जीबिशन होने जा रहा है, ठीक है, जो है 12 नवंबर को, एंड इट विल स्टार्ट 10 AM ऑनवर्ड्स. ठीक है, 10 बजे होगा ये इवेंट, जो कहाँ पे होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में. ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ इसका जो है मेन वेन्यू है. क्या इसके हाइलाइट्स हैं, की हाइलाइट्स, अपॉर्चुनिटी टू शोकेस टेक्नोलॉजीज बाय एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो भी नियर बाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे IIT आपका जम्मू हुआ, IIT मंडी हुआ, ठीक है, और IIT आपका रोपड़ हुआ, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, और चंडीगढ़ कॉलेज हुआ, बहुत सारे यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पे जो भी अपना रिसर्च में इन्वॉल्व रहने वाले फैकल्टीज हैं, ठीक है, या रिसर्च में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं और वो अपना रिसर्च की एक्टिविटीज़ को शोकेस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. ओके, दे कैन ज्वाइन दिस इवेंट. लार्ज फुटफॉल ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग जिनको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की, डिफरेंट प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो चाहते हैं कि हमें नई आइडियाज मिलें, ठीक है, जो हमारे रेवेन्यू को बढ़ाएं, हमारी कंपनी के जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाएं, ठीक है ना, तो उसके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कंपनियों को करना होता है. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उन सारी इंडस्ट्रीज को भी मिलेगी कि उनको करंट में वो अपना शेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ, रिसर्च स्कॉलर्स के साथ अपनी रिक्वायरमेंट. ओके, क्योंकि यहाँ पे इवेंट के अंदर मेनली इंडस्ट्री एकेडमिया मीट है, तो इस इवेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स आप बता सकते हैं रिसर्च स्कॉलर्स को, ताकि वो उस पर काम करें. ओके, और उसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी अपना जो इंडस्ट्री वाले, ठीक है ना, या जो फैकल्टीज हैं जो अपना रिसर्च शोकेस करना चाहते हैं, वो इसमें अपना स्टॉल बुक कर सकते हैं, ठीक है ना. उसका डेट तो अभी ये है आपका 8th November 2022, ये डेट तो निकल चुका है अभी स्टॉल बुक करने का. तो अभी मेनली हमारा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, ठीक है ना, जो वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों का फायदा उठा सकती है, ओके, उनके लिए है ये जो एग्जीबिशन है पूरा का पूरा. ओके, नाउ इस पूरे इवेंट को जो ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना, जो भी वहाँ पे मतलब लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में और जो भी रिसर्च करने वाले लोग हैं उनको इंडस्ट्री के साथ टाई अप करने में मेन रोल प्ले करते हैं प्रोफेसर मनु शर्मा. ओके, जो यहाँ पे डायरेक्टर भी हैं सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप प्रोग्राम के. ओके, ही इज ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इवेंट. ओके, इस इवेंट को वही मेनली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द शेड्यूल, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस इवेंट, देन व्हाट शेड्यूल यू शुड कीप इन योर माइंड.
12 नवंबर, ओके 12 नवंबर को है, शनिवार का दिन पड़ेगा, सैटरडे का, जिसमें इनोग्रेशन ऑफ द एग्जीबिशन होगा सुबह 10 बजे, ओके। देन विजिट बाय चीफ गेस्ट एंड डिग्निटरीज टू ऑल स्टॉल्स ऑफ द एग्जीबिशन, ये 10 से 11 बजे के बीच में है, और इंडस्ट्री एकेडमी मीट ये 11 बजे से 1 बजे के बीच में है, ओके। उसके बाद लंच टाइम है 1 से 2, देन राउंड टेबल मीट बाय प्रोफेसर एनएस व्यास आईआईटी कानपुर एंड डॉक्टर अनिता अग्रवाल जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी है डीएसटी, इन दोनों के बीच में एक राउंड टेबल मीट होगा ऑन एनवीएच इश्यूज इन ऑटो सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है राउंड टेबल मीट यहाँ पे, जो 2 PM से 3:30 PM तक रहेगा। एंड देन राउंड टेबल मीट विद प्रोफेसर एनएस व्यास एंड डॉक्टर अनिता अग्रवाल फॉर कंसीविंग ए कंक्रीट प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन मकसद क्या है कि जो इंडस्ट्री 4.0 पूरे ग्लोबली काम अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे इंडियन रेलवे ने भी किया है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं, तो नॉर्थ इंडिया जो हमारा मेनली, जिसमें हरियाणा, जिसमें हम चंडीगढ़, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, ये सारा एरिया जो है, ठीक है, दिल्ली तक हम मान के चलते हैं इसको, तो इसको हम मान काउंट करते हैं कि नॉर्थ इंडिया का जो ये पार्ट है इधर, इस पूरे रीजन में, ठीक है, वैसे तो सभी के लिए ओपन है, ठीक है, इस पूरे रीजन में इंडस्ट्री 4.0 का कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर ये डिस्कशन होने वाला है इनका, ओके। तो ये हमारा मेन शेड्यूल रहेगा, और ये जो एग्जीबिशन होगा, ठीक है ना, इनोग्रेशन ऑफ द एग्जीबिशन के बाद जो एग्जीबिशन रहेगा, जिसमें डिफरेंट स्टॉल्स रहेंगे, ओपन टू ऑल होगा, एनीवन कैन ज्वाइन, ओके, कोई भी स्टूडेंट वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सभी लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंडस्ट्री से कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो मतलब इंटरेस्टेड है इन रिसर्च एक्टिविटीज में, वो वहां पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकता है, और वो जान सकता है कि करंट में किस किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जो उनमें से उनके लिए अगर कोई यूजफुल है तो आगे की वो उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ओके। तो ये इवेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सबको ज्वाइन करना चाहिए जो भी इससे रिलेटेड है। नाउ यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि जो नलिनक्स एस व्यास, एनएस व्यास हैं, प्रोफेसर हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और ये काम कर चुके हैं चेयरमैन के तौर पर टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इंडियन रेलवेज, TMIR, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी 2022 अप्रैल तक इन्होंने काम किया है। तो ये सर जो है काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, और काफी इनका अच्छी क्वालिफिकेशन है, ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस जो इन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में रिसर्च की है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करवाए हैं गवर्नमेंट के लिए, ये अपना वहाँ पे आइडिया देंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्री 4.0 को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर बहुत सारा अपना अनुभव ये शेयर करेंगे, ओके। तो ये बहुत काम की चीज होने वाली है आप सभी के लिए। उसके बाद देखो फोर्थ, ये आपका जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उन सबको पता होना चाहिए कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है, इंडस्ट्री 4.0, और इसके अंदर क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं इंडस्ट्री 4.0, जिसमें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, 3D प्रिंटिंग का यूज, बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज, मशीन लर्निंग, सिमुलेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे जो आजकल के करंट में टेक्नोलॉजीज हैं ट्रेंड्स में, ठीक है ना, इन सब का कैसे यूटिलाइजेशन करके हम प्रोडक्शन को, डिफरेंट प्लांट्स के प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, यही मेन हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें वहां पे होने वाली हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, जो अलग अलग IITs से, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर प्रेजेंट करने वाले हैं कि इस फील्ड में उन्होंने क्या क्या रिसर्च अभी कर रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, ओके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल सकती है। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोफेसर एनएस व्यास हैं, उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कराया था, आप इस न्यूज को पढ़ सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन बाय इंडियन रेलवेज, ए पायलट प्रोजेक्ट फॉर असरिंग इंडस्ट्री 4.0, ओके, ए कंसेप्ट अबाउट ऑटोमेशन, इंटरकनेक्टिविटी एंड डेटा एक्सचेंज टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी हैज बीन लॉन्च फॉर इंप्लीमेंटेशन एट द मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। तो इंडस्ट्री 4.0 का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर चुकी है इंडियन रेलवे ने, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, और जो अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर एनएस व्यास ही रहा है, तो उन्होंने काफी वहां पे एक्सपीरियंस लिया है, वो सब आपके साथ शेयर होगा, ओके। ओके, सो फर्दर लिंक्स के लिए, अगर आप इस पूरे इवेंट के बारे में जो भी डिटेल चाहते हैं, तो ये लिंक मैंने शेयर किया है, इस लिंक पे आप विजिट करके
डिटेल्स मिल सकती हैं। और अगर स्टॉल का जो डेट 8 नवंबर का था, ठीक है ना, वो एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है, आप एक बार वहाँ पे कम्युनिकेट करके स्टॉल अगर अवेलेबल होगी वहाँ पे कोई भी, ठीक है ना, तो आपको मिल सकती है, अभी आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज टाइम अभी है आपके पास। एक बार जो भी इंटरेस्टेड है, जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो अगर वहां पे ट्राई करेंगे तो स्टॉल मे बी अवेलेबल। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ यूरोपीडी एजुकेशन हियर। आप सभी जानते हैं कि यूरोपीडी एजुकेशन हायर एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम्स को प्रमोट करता है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हाईली स्किल्ड हों, अच्छी एजुकेशन लें और वो नेशन के डेवलपमेंट में काम करें। तो जहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटी होंगी, जहाँ पे रिसर्च एग्जीबिशन होंगे, जैसे भी रिसेंटली हमने IIT दिल्ली में कवर किया, IIT दिल्ली में लगभग 21 IITs के प्रोफेसर्स ने अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे प्रेजेंट किया, तो वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया और बच्चों में हमने अवेयरनेस स्प्रेड किया उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। ओके, और जो प्रोफेसर्स, हार्डवर्किंग प्रोफेसर्स वहाँ पे उन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनसे हमने अलग अलग इंटरव्यू, उनके इंटरव्यूज हमने कंडक्ट किए, हमने वो अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड किए। आप सभी, आप डेली कोई ना कोई प्रोफेसर का इंटरव्यू सुनते हैं, तो ये आप सबके लिए फायदेमंद है, बिकॉज आपको डायरेक्ट पता चलता है कि किस IIT में कौन प्रोफेसर किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनके अंडर में स्टडी करने के या उनके अंडर में किसी प्रोजेक्ट में काम करने के, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो इवेंट आपका यहाँ पे चंडीगढ़ में होने वाला है, इसको भी यूरोपीडी एजुकेशन कंप्लीटली कवर करने जा रहा है और हम आपको उसकी सारी अपडेट्स अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे डिटेल्स। और जो आपको बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो प्रोफेसर NS व्यास के साथ एक डेडिकेटेड इंटरव्यू हम अलग से कंडक्ट करेंगे और वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी रिलेटेड लोग हैं इस जो इस इवेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके से हो सकते हैं, उन सब तक आप उनके जो आइडियाज हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो नॉलेज है, वो डिलीवर हो। ओके, और इस इवेंट में जो भी प्रोजेक्ट वहां पे डिस्प्ले होंगे, जो टेक्नोलॉजी करंट में ट्रेंड्स में होंगी, वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, आप इसको देखते रहिए, फॉलो कीजिए और खुद भी देखिए कि भी क्या चीजें हैं मार्केट में जो इस टाइम पे ट्रेंड में है, जिनकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो बहुत अच्छा इवेंट, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियो फर्दर, अभी आपके सामने एक वीडियो में डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे इवेंट का, वो अपने जो एक्टिविटीज हैं उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे। इन दिस एग्जीबिशन एकेडमिया ऑफ दिस रीजन वुड बी शोकेसिंग इट्स टेक्नोलॉजीज दैट इट वांट्स टू सेल टू द इंडस्ट्री। We hereby most cordially extend invitation to all members of CRICSI institutes for participation in this exhibition. We invite PGI Chandigarh, Punjab Engineering College, PEC, Indian Institute of Science and Education and Research, ICER Mohali, IIT Ropard, Institute of Microbial Technology, IMTEC, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, NIPER, Central Scientific Instruments and Organization, CSIO, Institute of Nanoscience and Technology, INST, National Agri-Food Biotechnology Institute, NABI, Center of Innovative and Applied Bioprocessing, SIAP, National Institute of Technical Teachers Training and Research, NITR, Terminal Ballistic Research Laboratory, TBRL, Snow and Avalanche Study Establishment, SASE, Government Medical College and Hospital, GMCH, CCET, Punjab State Council for Science and Technology, PSCST, Center for Development of Advanced Computing, CDEC, Defense Institute of High Altitude Research, Dihar, Semiconductor Laboratory, SCL, Center for Research in Rural and Industrial Development, CRRID, Riyad Bahara University, Chitkara University, Maharaja Agrasen University, Punjabi University, Patiala, Desh Bhagat University, Mandi Gobindgarh, Swami Vivekanand Group of Institutes, IIT Mandi. We hereby extend our most cordial invitation to all these institutes of this region to come forward on 12th November 2022, Saturday, and exhibit before industry the technologies which they have developed.